सीबीएसई की 2020 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 12वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों और वे विद्यार्थी भी जो एकाद कक्षा से द्वादश में प्रोन्नत हुए हैं, आरोह भाग दो की बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका वाचन कर मैं उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं वो घर पर अभी हैं, पुस्तक को देखते रहें, सभी पुस्तकों को एक एक पाठ को रिफ्रेश करते रहें, लेखन कार्य करें, पांच पांच अंक चार चार अंक के जो प्रश्न हैं उनको शब्द सीमा के अंतर्गत लिख लिख करके यदा कदा आप व्हाट्सएप से मुझे भेजते भी रहें। तो इस कविता पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता निशा निमंत्रण काव्य कृति से ली गई है। यह तब की कविता है जब बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा का निधन हो गया था। वो एक तरह से अवसाद ग्रस्त थे और इसी मनोभूमि में उन्होंने निशा निमंत्रण की कविताएं लिखी। यह कविता उनकी भावनाओं की पूरी तरह अभिव्यक्ति है, विशेषकर जो अवसाद है उस भावना की। कविता इस तरह है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तू है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, बढ़ती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता उड़ में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तीन चरण है इस कविता के, तीन दृश्य चित्र हैं। पहला चित्र, शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो रहा है, कस्बे में शहर में जो लोग बाजार करने गए हैं, दिन भर काम करते रहे हैं, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। घर पर उनके माता पिता, पत्नी, उनके छोटे छोटे बच्चे प्रतीक्षारत हैं। बच्चे माँ से पूछ रहे हैं, मम्मी अभी तक पापा नहीं आए, कब आएंगे? उनकी बूढ़ी माँ बेचैन हो जाती है। आज का जमाना नहीं था मोबाइल का कि सूचित किया जा सके। 80-90 वर्ष पूर्व की ये कविता है। तो उस परिस्थिति में जो घर का मुखिया है, वो सदस्य है, जल्दी जल्दी थका होने पर भी घर की ओर तेज गति से चल रहा है, थका होने पर भी तेज गति से चल रहा है। क्यों? वो प्रतीक्षा, वो प्रेम तत्व जिससे उसका परिवार जुड़ा हुआ है, वो उसके पैरों में बेचैनी, तत्परता लाने का कार्य कर रहा है। दूसरा दृश्य चित्र, ये भाव बेचैनी, प्रेम तत्व, आकुलता, परिवार से जुड़ाव, आत्मीयता केवल मनुष्य जगत में ही नहीं है, ये पशु पक्षियों में भी है। और कवि का ध्यान आकाश की ओर भी जाता है, जहां पर पक्षी अपने घोंसलों को, चिड़िया लौट रही है, पक्षी लौट रहे हैं, वो भी दिन भर दाना चुगते रहे हैं और कुछ
अपने घोंसलों में रह रहे बच्चों के लिए भी चोंच में लिए जा रहे हैं। वहां भी उनके चूजे बच्चे जो अभी उड़ नहीं सकते, घोंसलों से बाहर नहीं आ सकते, गर्दन उसका उसका करके देख रहे हैं कि माँ आ रही है कि नहीं, पिताजी आ रहे हैं कि नहीं। तो कई इसको भी लक्षित करता है और इसीलिए चिड़ियों के परों में भी चंचलता है, तत्परता है। अभी मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता याद आ रही है, माँ, वो भी बहुत मार्मिक कविता है और वो भी इस प्रेम तत्व को तमाम दृश्य जगत में पेड़ पौधों पशु पक्षी मनुष्य में चित्रित करती। तो अब तीसरे दृश्य चित्र पर मैं आता हूं जो कवि से संबद्ध है, उसकी मनोदशा से, उसके अवसाद ग्रस्तता से संबद्ध है। उसके पैरों में चंचलता और तत्परता नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कवि के घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, काकु वक्रोक्ति है, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात उससे मिलने के लिए कोई बेचैन नहीं है, कोई है ही नहीं, मतलब उसकी पत्नी का तो निधन हो चुका है, वो अकेला है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि मैं आखिर क्यों चंचल हूं उन सब की तरह, उस पथिक की तरह, उस चिड़िया की तरह। इसीलिए उसके पैरों में शिथिलता है। दिन भर तो वह लोगों से बातचीत करता है, कार्य में लगा रहता है, लेकिन शाम होने पर, घर लौटने पर वही लंबी रात, मिलने की घड़ियां छोटी हैं और रात जुदाई की लंबी, जब सारी दुनिया सोती है हम तारे गिनते रहते हैं। एक पुराने फिल्म की पंक्ति।